देखिए, आज हम यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 तैयार कर रहे हैं। और बेसिकली अब से पहले जो हमने 3 लेक्चर देखे थे वो हमारे पास क्या थे, कुल मिला के इंट्रोडक्शन था स्टील स्ट्रक्चर का। उसकी एक प्रैक्टिस शीट होगी, वो मैं और सॉल्व कराऊंगा आपको। उससे पहले पर अपन लेक्चर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और सबसे पहले अपना लेक्चर है यहाँ पर कनेक्शंस का। और मेनली अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो चालू भी यहीं से होती है स्टील स्ट्रक्चर, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिशन्स में जो पूछी जाती है मेनली। ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले पढ़ा वो काम नहीं आता, आता है, बिल्कुल काम आता है। परंतु मेन जो चैप्टर्स अगर हम कहें स्टील स्ट्रक्चर का, वो यहाँ से चालू हो जाता है एज अ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कनेक्शंस के। कनेक्शन बेसिकली होता क्या है, ये हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूं कि कनेक्शन होता क्या है। कनेक्शंस में जब हमारे पास, एक बार मैं डेफिनेशन बता देते हैं कि डेफिनेशन में कनेक्शंस है क्या। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स में जो भी अपने पास बीम्स, कॉलम और टेंशन मेंबर्स और फुटिंग वगैरह बनाई जाती है, उनको आपस में एक यूनिट की तरह काम करना होता है पूरे स्टील स्ट्रक्चर को। तो स्टील स्ट्रक्चर जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होते हैं, उनको जॉइंटों पर एक दूसरे से जॉइंट करना होता है। और जिनकी मदद से ऐसा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कनेक्शंस बोला जाता है। यहाँ 3 तरह के कनेक्शन है जो हमारे कोर्स में है। पहले जो पहला पुराना जो कोड था उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, रिवेटेड रिवेट्स थे। परंतु नए कोड में रिवेट्स नहीं है। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आता। रिवेट्स को भी अपन को डिटेल में पढ़ना है। अब जो नया कोड है उसमें हमारे पास बोल्ट्स के बारे में और वेल्डिंग के बारे में, मेनली अगर हम कहें तो कुल मिला के कनेक्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और इनको ढंग से एनालिसिस करना, इनकी स्ट्रेंथ वगैरह ज्ञात करना आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे वीकेस्ट जो पार्ट होता है उसका, जिस पॉइंट पर सबसे कमजोर होता है, वो कनेक्शन पर होता है। यानी फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो चाहे स्ट्रक्चर मेंबर का फेलियर हो, चाहे कनेक्शन रिवेट वोल्ट या वेल्डिंग का फेलियर हो, हम यहीं पर चेक करते हैं उसकी स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं टूटेगा इसका मतलब वो नहीं टूटेगा। ठीक है, चलो कनेक्शंस पर आने से पहले मैं आपको हल्के से एक बार पिक्चर्स दिखा देता हूं कि कनेक्शंस होते क्या है, और एक वीडियो देख लेते हैं कनेक्शन की जरूरत क्या पड़ती है। वैसे मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बताई दी है कि जहां पर अलग अलग मेंबरों को हमको कनेक्ट करना होता है। देखिए, जैसे आपके सामने एक फोटो है, इसमें क्या है, बेसिकली है क्या, इसमें अपने पास कनेक्शंस है, कनेक्शन हो रहा है, बीम कॉलम कनेक्शंस है। यहां पर ये हमारे पास मेन कॉलम है, उससे ये कोई प्राइमरी बीम इस साइड निकल रही है, इस साइड निकल रही है, ये कोई टेंशन मेंबर स्ट्रट या कोई ब्रेसिंग टाइप में ये निकल रहा है। तो इन सबको कनेक्शन करने के लिए देखिए, इसके फ्लेंज के साथ ये हमारे पास क्या कर रखे हैं, बोल्टिंग की हुई है। ठीक है, ये हमारे पास बोल्टिंग की गई है। तो ये इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं इन्हीं को हम कनेक्शन बोल रहे हैं, चाहे बोल्ट की मदद से, किसकी मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके सामने ये है, यहाँ पर ये देखिए रिवेटिंग हुई पड़ी है, पुराना कोई ब्रिज स्ट्रक्चर है। आजकल तो बोल्टिंग या वेल्डिंग चलती है, परंतु ये देखिए एक दूसरे से कनेक्शन कर कर मेंबर्स को जोड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास कनेक्शंस के बारे में हल्का सा ओवरव्यू है। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर देखिए, कनेक्शन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये बोल्ट्स हैं, जो मेरे कर्सर चल रहा है ना, मार्कर चल रहा है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बीम को कॉलम से, कॉलम को फुटिंग से कनेक्ट करने के लिए आपस में कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है, और आपको कनेक्शंस आने ही आने चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 3 तरह के कनेक्शन होते हैं। मैं एक बार हल्का सा पिक्चर दिखाने में आपको इंटरेस्टेड हूँ, कि जिससे कि हमारे पास थोड़ा बहुत समझ में आए कि बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर देखिए, ये वेल्डिंग है। ठीक है, ये वेल्डिंग कनेक्शन है। ठीक है, वेल्डिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर वेल्डिंग में किया क्या जाता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर तक आर्क उत्पन्न किया जाता है। मेनली हमारे पास वेल्डिंग अलग अलग तरह की होती है, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। तो जैसी भी है, वहां पर वेल्डिंग रॉड को आर्क उत्पन्न करके इतना ज्यादा टेम्परेचर किया जाता है कि वो मेटीरियल जो होता है वो भी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, और ये रॉड होती है भी, और ये मेल्ट होकर एक एक ही जैसा, जैसे ऐसा लगता है जैसे मटेरियल ही है, इस तरीके से बना दी जाती है। और डिटेल में हम वेल्डिंग पढ़ेंगे, चैप्टर ही पूरा है कनेक्शंस में, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, हमको इतना ज्यादा नहीं देखना कि कौन कौन से जॉइंट वगैरह होंगे, ये देखिए वेल्डिंग है सब, है ना। ठीक है, तो ये वेल्डिंग है हमारे पास। ये हम अब ये जो है बोल्ट है, कोई भी दो मेंबर्स है उनको कनेक्शन करने के लिए बोल्टिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल अभी मैं बता दूंगा आपको, ये थ्रेडेड होते हैं नट बोल्ट, और ये जो है ये आपके सामने जो है ये क्या है, रिवेटेड है।
ये जो है रिवेट है ना, ये रिवेट है, इसमें ये शैंक होता है, ये इसका हेड होता है, ये पीछे पिक्चर भी चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिवेटिंग है, ये मैं आपको पॉज कर देता हूँ चाहे, ठीक है। ये रिवेट्स हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स में रिवेट यूज होते थे ब्रिजेस में वगैरह में। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर में रिवेटेड की बात करें तो अपने पास एक हल्का सा आपको आइडिया हो गया होगा कि तीन तरह के कनेक्शंस होते हैं और कौन कौन से कनेक्शन हैं जिनके बारे में हमको देखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम सबसे पहले रिवेटिंग और बोल्टिंग को तो साथ साथ ही पढ़ेंगे, रिवेटिंग और बोल्टिंग को तो साथ साथ ही पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि लगभग लगभग सेम सी चीज है, पर जो जो बोल्ट में अलग है उसको हम बोल्टिंग के हिसाब से लिखाता जाऊंगा, और जो रिवेट्स में पुराने कोड के हिसाब से है और जो बोल्ट में नए कोड के हिसाब से, और वेल्डिंग को डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे। तो रिवेट और बोल्ट हम एक साथ ही पढ़ते हैं, आजकल रिवेटिंग यूज नहीं होती पर ये होता ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक हल्का सा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ये हमारे पास रिवेट होता है। रिवेट बेसिकली कैसा होता है, आपको मैंने अभी पिक्चर में भी दिखाया था, ठीक है, पिक्चर में दिखाया था। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ कोई थ्रेड नहीं होता, मतलब कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं होती, तो ये जो पार्ट है ये इसका थ्रेड है और ये इसका क्या होता है, हेड होता है। अलग अलग हेड के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ये हमारे पास नैप हेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये शैंक जो है, शैंक का जो डाया होता है इसको इसका नॉमिनल डाया बोलते हैं, इसी को इसका नॉमिनल डाया बोलते हैं। एक और होता है कि रिवेट करने के लिए, रिवेटिंग करने के लिए जो प्लेट होगी उसमें होल भी किया जाएगा, और होल बशर्त पक्का है कि जो नॉमिनल डायमीटर उससे ज्यादा होता है, कितना होता है भी अपन देखेंगे, परंतु होता है। तो इसको इसका कौन सा डाया बोला जाता है, ग्रॉस डाया बोला जाता है, ठीक है। तो नॉमिनल डाया जो शैंक का डायमीटर है, और रिवेटिंग करने के लिए जो मेंबर में होल किया जाता है वो रिवेट का कौन सा डायमीटर होता है, ग्रॉस डायमीटर होता है। हेड जो होता है रिवेट का, जो हेड होता है, अलग अलग हेड होता है, परंतु नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वह स्नैप हेड यूज होता है। उसमें इसका जो डेप्थ होती है 0.7D होती है, डी जहां पर नॉमिनल डायमीटर है, और हेड का डायमीटर 1.60 होता है, आता है क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दिया इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर रिवेट की बात करें तो रिवेट केवल यही नहीं होता, रिवेट के अलग अलग डायमीटर के हिसाब, जो हेड होता है शेप के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा आपकी जींस वगैरह, जींस का जो बटन होता है वो भी एक तरह का रिवेट होता है, कोल्ड वर्क रिवेट होता है। और ये वाला जहाँ मेरा मार्कर हाइलाइटर चल रहा है, हाइलाइटर ये देखो, ये होता है फ्लैट हेड होता है, जो कि स्मॉल कनेक्शंस में यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा मशरूम हेड भी होता है, ये भी हमारे पास वो बटन्स वगैरह में यूज होता है। मेनली स्ट्रक्चर पर्पस के लिए या तो स्नैप हेड होता है या पेन हेड होता है। बॉयलर्स में काउंटर शैंक हेड होता है, जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है स्नैप हेड की तुलना में 33.33% कम होती है, ठीक है। मशरूम शेप में होता है तो मशरूम हेड स्मॉल रिवेट्स में होता है, कोनिकल हेड बॉयलर्स में। तो काउंटर शैंक हेड और कोनिकल हेड वाले जो रिवेट्स होते हैं वो ज्यादातर बॉयलर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे हम कैसे होती है रिवेटिंग, ठीक है। तो रिवेटिंग बेसिकली की कैसे जाती है, मैं हल्का सा आपको ये बता देता हूँ। देखिए रिवेट जो होगा हमारा, पेन ले लेता हूँ, ठीक है। रिवेट जो होता है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट है, अब ये लैप जॉइंट में जोड़ना है या आपको बट जॉइंट में जोड़ना है, जैसा भी है, तो यहाँ पर ये होल होगा दोनों प्लेटों में, तो होल के कंसेंट्स में रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस रिवेट को अंदर इसमें डाल दिया जाएगा, और रिवेट को भी कैसे डाला जाता है, रेड हॉट में, मतलब बिल्कुल इसको गर्म किया जाता है, रेड हॉट करके गर्म किया जाता है एक तरफ से, और इधर की तरफ से क्या चलता है, एक हैमर होता है और स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, जो धक 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 करके इसमें अच्छे से इसको करके और इसको पुश करके इसको कंप्रेस कर देता है, तो दोनों तरफ से कंप्रेस हो जाता है इस तरीके। और थोड़ी देर बाद जब सेंडा होता है तो क्या हो जाता है, जो सैंक होगा, जो श्रैंक होगा, वो तो हमारे पास किस में रहेगा, देखिए ठंडा होगा तो क्या होगा, सुकुड़ने की कोशिश करेगा, जबकि प्लेट इसको सुकुड़ने नहीं देंगी, तो ये किस में रहेगा, टेंशन में, ठीक है, टेंशन में रहेगा। और जो हेड होगा, जो अपने प्लेट होंगी, ये क्या हो जाएंगी, इसके कम श्रिंक होने की वजह से कंप्रेशन में, तो प्लेट जो होती है वो कंप्रेशन में हो जाती है, और ये टेंशन में रहता है श्रैंक हमारे पास, ठीक है। तो ये हल्का सा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैं एक वीडियो और दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगी किस तरीके से ये होता है। ये देखिए आपके सामने ये रिवेटिंग हो रही है, ये जो आपको ये देख रहे हैं गोल गोल से, ये हेड ही है, ठीक है, ये हेड है रिवेट में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इन्होंने हैमर की मदद से यहाँ पर देखिए, जैसे उधर पीछे की साइड से ये अंदर की साइड
होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा वापस से आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। जबकि बोल्ट जो होता है, बोल्ट में क्या होता है आपका, बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट का भी बोल्ट हेड होता है, हेक्सागोनल होता है या फिर हमारे पास पेंटागोनल होता है, तो रिवेटेड वो बोल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये वही नॉमिनल डायमीटर होता है, इसका कुछ भाग नॉन थ्रेडेड होता है, कुछ भाग थ्रेडेड होता है, ठीक है। जो थ्रेडेड भाग होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉमिनल डायमीटर से थोड़ा सा कम होता है। ये कितना होता है, 0.7 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, पूरा एरिया ऑफ क्वेश्चन क्रॉस सेक्शन है 0.78 होता है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है, पर जो भी है हमारे पास ये एरिया में अंतर होता है, ठीक है। ये बोल्ट होता है। देखिए इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, हमारे पास कंपैरिजन देख लेते हैं कि रिवेट या बोल्ट। आजकल तो बोल्ट ही यूज किए जाते हैं क्योंकि रिवेट के साथ कुछ प्रॉब्लम भी होती है। क्या होता है, ये भी कनेक्ट करने के काम में आता है मेंबर को, ये भी कनेक्ट करने के काम में आता है, परंतु यहाँ का जो कनेक्शन है वो परमानेंट कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी आए जब खोल दो, जब मर्जी आए तोड़ दो, ठीक है। जबकि बोल्टिंग में क्या हो सकता है, आप आराम से इसका जो नट होगा, यहाँ पर जो नट है उसको खोलकर आप कनेक्शन हटा सकते हो अगर कोई भी अपन को चेंज करना है स्ट्रक्चर में। जबकि यहाँ पर पूरा कनेक्शन तोड़ना ही पड़ेगा आपको, रिवेट को तोड़ना ही पड़ेगा, यानी परमानेंट। पहला क्वेश्चन परमानेंट कनेक्शन देते हैं। दूसरा, बोल्ट को कसने के लिए कोई इतनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती, परंतु यहाँ पर स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। रिपेयरिंग डिफिकल्ट होती है, रिपेयरिंग डिफिकल्ट होती है, रिप्लेसमेंट डिफिकल्ट होता है इसमें, ठीक है। जबकि बोल्ट जो होंगे उसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, रिपेयर रिपोल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा हमको अंदाजा होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि यदि हमारे पास बात करें तो रिवेट जो होगा वो टेंशन और वाइब्रेशन में ज्यादा सुटेबल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बोल्ट होते हैं वो वाइब्रेशन में ज्यादा सुटेबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि बोल्ट का जो नट होता है वो ढीला पड़ जाता है। परंतु आजकल तो फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट भी आने लग गए हैं, तो उनमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आती। नहीं तो आप देखते हो बोल्ट में नट जो होता है वो ढीला होने की प्रॉब्लम होती ही होती है, इस वजह से हमारे पास। पर आजकल जो फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट है उसमें ये समस्या भी दूर हो गई है, ठीक है। तो बोल्टिंग में बेसिकली वाइब्रेशन में अवॉइड करते हैं, टेंशन मेंबर में दोनों ही इक्वली इक्वली हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर्स में जो रिवेट यूज किए जाते हैं वो ज्यादातर उनका साइज जो होता है वो अपने पास नोट कर सकते हैं, इसको पॉज कर लीजिएगा आप। ये 12 mm मिनिमम है और 45 mm मैक्सिमम है, जो स्ट्रक्चर जो हमारे पास सिविल वर्क में जो होता है। इसके अलावा मैकेनिकल वर्क में जो बॉयलर रिवेट होते हैं वो 12 mm से 50 mm तक होते हैं, और जो छोटे रिवेट्स होते हैं, छोटे कार्यों में यूज होते हैं, वो 2 mm से लेकर 10 mm तक का रिवेटिंग होती है, ठीक है। सच इसमें इतना ज्यादा नहीं है, पर आपको आना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है आपको जो पता होनी चाहिए, क्या, देखिए यहाँ पर दो प्लेटें मैंने बना रखी हैं, दो प्लेटें बना रखी है, तो जो प्लेटों की ओवरऑल थिकनेस होती है इस प्लेट की और इसको, इसको क्या बोला जाता है, ग्रिप ऑफ रिवेट बोला जाता है, ठीक है। और ये किसी भी सूरत में किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4-5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 5 ग्रॉस डाया होता है, या फिर हम कहें इसका होल का डायामीटर होता है। एक चीज और है जो अपना ये होता है, कौन, नॉमिनल डायामीटर होता है, ये होता है होल डायामीटर, इससे ज्यादा होता है। यहाँ पर दो प्रोविजन है जो आपको आने चाहिए, कौन कौन से, इफेक्टिव डाया को भी ग्रॉस डाया ही बोला जाता है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। यदि रिवेट का जो डायामीटर है यदि 25 mm से कम है या 25 mm, तो होल डायामीटर होगा या ग्रॉस डायामीटर होगा वो 1.5 ज्यादा होगा, किससे, रिवेट होल से या रिवेट डाया से या नॉमिनल डायामीटर से। और 25 mm से ज्यादा है तो 2 mm और जोड़ दिया जाता है होल डायामीटर करने के लिए, ठीक है। WSM में चूंकि रिवेट यूज होता था इसलिए हमारे पास WSM में यही प्रोविजन है, 25 से कम है तो 1.5 जोड़ दीजिए आप नॉमिनल डायामीटर में, और 25 से ज्यादा है तो आप कितना जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अभी अभी आपने वीडियो देखा था तो उसमें एक चीज आपने देखी कि जो रिवेट होता है उसको प्लेस करने से पहले पूर्ण यूनिफॉर्मली पूरा का पूरा ही रेड हॉट कंडीशन में गर्म किया जाता है, और ड्रिवन होने के बाद क्या होगा, जैसे हम ड्रिवन करेंगे, तो आपने देखा था जो हमारे पास मेंबर था उसमें जैसे ही ड्रिवन किया था तो जो बचा कुचा जो होल का गैप है, जो अपन कह रहे हैं ना 1.5 ज्यादा है या फिर 2 ज्यादा है, 2 mm ज्यादा है, वो सारा का सारा होल जो है वो पूरा का पूरा रिवेट मटेरियल से फुल हो जाएगा। ऐसा कोई भी जगह नहीं बचेगा कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं बचे, ठीक है ना। तो ये दो हमारे अजम्पशंस भी हैं कोड के, कि जब भी रिवेटिंग कर दी जाती है उसके बाद पूरा का पूरा होल जो होता है रिवेट का वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है नॉमिनल डायमीटर से, और रिवेट शुड बी हीटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स लेंथ, है ना, पूरा का पूरा रिवेट उसकी लेंथ पर यूनिफॉर्मली किया जाता है,
ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, इसको इनसाइड क्लियरेंस भी बोल सकते हैं। इनसाइड क्लियरेंस अगर बोलते हैं तो एक चीज ध्यान में रखने की बात यह है कि इनसाइड क्लियरेंस अगर पूछ रहा है तो इनसाइड क्लियरेंस में ये डाया तो हमारे पास है किसका, रिवेट का, ये श्रैंक का ना, और जो बाकी बचा हुआ जो गैप होता है इसी को बोला जाता है इनसाइड क्लियरेंस। अगर एक साइड से बोला ये और ये पूरा है ना, ठीक है। तो WSM में तो हमारे पास ये किया जाता है। इसके अलावा अगर LSM में बात करें, लिमिट स्टेट मेथड, लास्ट लेक्चर में अपन ने बताया, तो आजकल लिमिट स्टेट ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वोल्टेज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजन इस प्रकार से है कि यदि 12 mm से 14 mm के बीच में है तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस, देखिए इनसाइड क्लियरेंस एक साइड का होता है, पूरा क्लियरेंस मतलब कितना ज्यादा, यानी आपको यहाँ प्लस और करना है कुल मिला के, वही जैसे रिवेट में करते थे कि जो भी डायमीटर नॉमिनल है उसमें 1 mm जोड़ना है, 16 से 22 के बीच में है तो 2 mm जोड़ना है, 24 तक है तो 2 mm जोड़ना, और 24 से ज्यादा होती है 3 mm आपको जोड़ना है, जो कि स्टैंडर्ड क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहीं रिवेटिंग में केवल 25, 25 से कम और 25 से ज्यादा है, जबकि यहाँ 24, 24 से कम में 1 और 2 है और 3 का अपने पास स्टैंडर्ड क्लियरेंस जो होता है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास हल्के से प्रोविजन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार देखने को मिलते हैं, तो हमको ये चीजें आनी भी चाहिए, ठीक है। आगे चल रहे, ग्रिप लेंथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिवेट डाया जो होता है, रिवेट डाया आपको पता ही है, रिवेट डायामीटर मतलब नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डायामीटर को ही रिवेट डायामीटर कहते हैं। तो ग्रिप ऑफ रिवेट इससे कम तो कतई ना हो, ज्यादा हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हमने जो वीडियो देखा था वो हॉट ड्रिवन रिवेटिंग देखी थी आपने, हॉट ड्रिवन रिवेटिंग जो होती है जनरली स्ट्रक्चर्स में यही यूज की जाती है, ठीक है, हॉट ड्रिवन यूज की जाती है। और स्मॉल वर्क्स जैसे आपने देखा होगा आपके जिप, जो जींस की पैंट का जो बटन होता है वो, या छोटे मोटे जो भी अपने पास आपने वो देखे होंगे, क्या कहते हैं इनको, बक्से होते हैं, बॉक्स जो होते हैं, उनमें भी जो किया जाता है शीट को रिवेट से, तो कोल्ड रिवेटिंग होती है। वहां पर नॉर्मल हैमर से भी काम कर चल जाता है, परंतु बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जबकि हॉट ड्रिवन रिवेट जो अभी अभी हमने वीडियो देखा था शुरुआत में, आप चाहो तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, द्वारा हीट करा जाता है और फिर हमारे पास किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए अगर शैंक जो होगा, शैंक जब ठंडा होगा तो होगा क्या, शैंक जब ठंडा होगा तो हमारे पास होगा ये कि सैंक जब ठंडा होगा तो श्रिंक होने की कोशिश करेगा, पर ये मटेरियल जा नहीं पाएगा, तो ये इसको तो कैसा महसूस होगा, जैसे टेंशन में। और ये जब सुकुड़ने की कोशिश करेगा जो, तो प्लेट जो कनेक्टिंग प्लेट होती है वो आपस में क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी, दब जाएंगी तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगी। तो प्लेट जो होती है वो तो कंप्रेशन में होती है, और सैंक जो होता है वो किस में रहता है, टेंशन में। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, कोल्ड ड्रिवन रिवेट में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है परंतु बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यूज कम करते हैं, हॉट ड्रिवन ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, बड़े रिवेट्स में, क्योंकि हैंड से आप हैमरिंग करते हैं तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता यार। अब देखिए यहाँ पर, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो कि कनेक्शन से रिलेटेड आती है, चाहे रिवेट की बात हो चाहे बोल्ट की बात हो। मैंने कहा था पहले आपको रिवेट और बोल्ट एक साथ बताएंगे, ठीक है। तो चाहे रिवेटिंग की बात हो चाहे बोल्टिंग की बात हो, तो कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, कि जैसे पिच क्या होती है, गेज डिस्टेंस क्या होती है, एज डिस्टेंस क्या होती है, इसके अलावा एंड डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, एंड डिस्टेंस क्या होती है, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। तो ये डायग्राम है, एक बार पॉज करके इस डायग्राम को कृपया करके आप बना लीजिएगा, जिससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी, एंड डिस्टेंस क्या होती है और यहाँ पर पिच क्या होती है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, मैं जल्दी जल्दी से आपको रिव्यू करा देता हूँ। ऊपर पिच लिखा हुआ था, ये जो है पिच है और ये गेज डिस्टेंस है। पिच जो होती है वो भी सेंटर से सेंटर की दूरी होती है रिवेट होल्स के बीच में, जबकि गेज डिस्टेंस होती है वो भी सेंटर टू सेंटर होती है। परंतु जो लोडिंग डायरेक्शन होती है, लोडिंग डायरेक्शन होती है उसके पैरेलल तो पिच बोली जाती है, और उसके जो परपेंडिकुलर होती है, जो परपेंडिकुलर होती है उसको क्या बोला जाता है, गेज डिस्टेंस बोला जाता है। इसी तरीके से एज से, यानी प्लेट जहाँ खत्म हो रही है वहां से, और लास्ट जो रो का, लास्ट रो का जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देख लो चाहे ऊपर देख लो, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगी ये हमारे पास क्या होगी, एज डिस्टेंस होगी। एज डिस्टेंस 90 डिग्री पर होती है लोडिंग डायरेक्शन के, और लोडिंग डायरेक्शन के पैरेलल पैरेलल जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ रिवेट से और जहां प्लेट खत्म हो रही है। देखिए ये ऊपर वाली प्लेट है, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं आपके सामने, तो हो क्या रहा है बेसिकली, एक प्लेट तो ये है,
और एक प्लेट यहीं तक ही खत्म है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जोड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास है, थोड़ा सा डायग्राम अपन अच्छे से पूछ पूछ हो गया, थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे अभी, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगर इन प्लेटों की बात करें तो मैं प्लेट यहाँ समझा ही देता हूँ आपको कि किस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेट तो ये है जो यहीं तक खत्म हो रही है, और एक प्लेट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब ऊपर से देखोगे तो आपको कौन सी प्लेट दिख रही है, अब ये देख लीजिए आप। ये अगर डॉटेड डॉटेड करनी पड़ेगी नीचे वाली प्लेट को, और यहाँ पर इस वाली प्लेट को, तो ये है, और यहाँ पर इस प्लेट को यहाँ पर डॉटेड डॉटेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लैप ज्वाइंट है। अभी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या होता है लैप ज्वाइंट वगैरह, पर ये हमको आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैंने आपको पिच बता तो दी है, तो पिच होती क्या है? पिच जो होती है वो दो सेंट कंसेक्यूटिव बोल्ट हो या रिवेट हो, उनके जो डिस्टेंस होती है, लाइन होती है, रिवेट लाइन या बोल्ट लाइन होती है, उनके बीच में लोड के डायरेक्शन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो नपती है उसको पैरेलल जो होती है उसको बोलते हैं पिच। इसी तरीके से गेज क्या होती है आपको मैंने बता ही दिया था, ये गेज, ठीक है। लोड डायरेक्शन जो है, देखिए लोड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है जबकि ये इस तरीके से वर्टिकली ना पड़ी, ठीक है। तो ये गेज डिस्टेंस होती है, आप इसमें पॉज कर सकते हैं और इन डेफिनेशन को उतार सकते हैं। एंड डिस्टेंस भी क्या होती है और एज डिस्टेंस क्या होती है आपको बता दिया है, बस आप वीडियो पॉज करें और आराम से इसको उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस हो गया है। इसके अलावा एक और चीज होती है स्टेगर्ड पिच। देखिए यहाँ पर ये जो होती है लाइन रिवेटिंग है, लाइन रिवेटिंग का मतलब ये हमने क्या किया है, लाइन है, जितने भी रिवेट्स हैं सारे के सारे एक ही लाइन में है, ठीक है। तो इसको चैन रिवेटिंग भी बोला जाता है, चैन रिवेटिंग, ठीक है। अभी आएंगे हम टाइप ऑफ रिवेटिंग में, तो चैन रिवेटिंग होता है। एक और रिवेटिंग होती है जहां पर सारे रिवेट एक ही लाइन में नहीं होते, एक ही सीध में नहीं होते, तो उस रिवेटिंग को हम स्टेगर्ड रिवेटिंग बोलते हैं। और वहां जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, जैसे ये आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने है, तो यहाँ पर देखिए ये और ये तो एक ही लाइन में, परंतु ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये स्टेगर्ड हो गया, तो जो ये पिच होगी ये स्टेगर्ड पिच कहलाती है, ठीक है। स्टेगर्ड पिच होती है, तो स्टेगर्ड डायमंड रिवेटिंग वगैरह में काम आती है। क्या होती है डायमंड रिवेटिंग, वो सब देखेंगे। तो स्टेगर्ड पिच जो होती है, यहाँ भी वही सेंटर टू सेंटर होता है, एडजेसेंट जो बिल्कुल सबसे पास पास की जो है, एडजेसेंट रिवेट लाइन हो या बोल्ट लाइन हो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कुछ कोडल प्रोविजन है जो आपको आने चाहिए। कोडल प्रोविजन क्या है, मिनिमम इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है जी, इसको इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कोर्स में है जिनको आपको आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको सबसे फास्टनर का मतलब आइदर रिवेट या बोल्ट है ना, और इसी तरीके से वेल्ड की भी बात करेंगे, परंतु अभी हम रिवेटिंग और बोल्टिंग की बात कर रहे हैं और वेल्डिंग की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये उतारते जाएं आप एक तरीके से सब कुछ, मिनिमम जो डिस्टेंस होती है यानी मिनिमम पिच होती है, चाहे सेंटर टू सेंटर जो भी फास्टनर है, चाहे वो रिवेट है चाहे बोल्ट है, 2.5 D है, जहाँ D नॉमिनल डायमीटर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज और है जो आपको आनी चाहिए, क्या, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये टैक फास्टनर या टैक रिवेट या टैक बोल्ट होता क्या है, ये मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूं यहाँ। ये देखिए टैक रिवेटिंग क्या होती है, देखिए ये गसेट प्लेट जो है, गसेट प्लेट के साथ जो जुड़ा हुआ है मेंबर, वो तो स्ट्रक्चरल रिवेट है। यहाँ तक ये गसेट प्लेट खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद ये मेंबर आगे जा रहा है और कहीं दूसरी साइड में भी जुड़ा हुआ होगा। तो मान लीजिए एक एक एंगल इधर है, एंगल क्या होता है आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में बता दिया, और एक एंगल इधर है, तो इनके बीच में जो ये पॉइंट में ये जॉइन, तो ये दो एंगल जो बैक टू बैक लगे हुए हैं, बैक एक एंगल की बैक ये रही, एक बैक है, बीच में जहाँ पर जहाँ मेंबर जॉइंट है वहाँ तो गसेट प्लेट है, पर पूरे में गसेट प्लेट थोड़ी है, ठीक है। तो बाकी ये जो चल रहा है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए, इनको एक यूनिट की तरह व्यवहार करने के लिए, जो कनेक्शंस के बाद में भी जो रिवेटिंग हो रही है, जो कि स्ट्रक्चरल रिवेट नहीं कहलाती, इन्हीं को क्या बोला जाता है, टैक रिवेट। इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनको लोड कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, बस ये तो एक यूनिट की तरह स्ट्रक्चर के, ये जो बैक टू बैक दो एंगल ज्वाइंट है, इनको एक अगेंस्ट यूनिट, ठीक है। तो गसेट प्लेट के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो ये रेड कलर में जो जुड़े हुए हैं, ये तो स्ट्रक्चरल रिवेट है या स्ट्रक्चरल बोल्ट होंगे, परंतु जो गसेट प्लेट के साथ नहीं जुड़े, बस ये एंगल सेक्शंस को, अब ये तो सामने से व्यू है और ये ऊपर से टॉप व्यू है, तो ये जो होंगे ये क्या होंगे, टैक रिवेट। और इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस रखी जाती है, पास पास रखने का कोई नहीं, पर मैक्सिमम से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस की जब मैंने बात करी,
ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस की जब मैंने बात करी तो यहाँ पर इसको यूज किया गया, ठीक है। तो वापस से आ जाता हूँ कि जब भी बात करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस, तो यहाँ टैक रिवेटिंग सबसे ज़्यादा होगा टैक रिवेटिंग में, तो ये 30T इंटू में या 300 mm, इनमें से जो छोटा होगा वो यूज़ किया जाता है, जहाँ टी थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट है। जो भी दो प्लेट है इसको या दो एंगल्स को, जैसे अभी अभी हमने डायग्राम देखा था वहाँ एंगल्स कनेक्ट थे, तो जो भी जैसे ये एक एंगल था हमारा, ये दूसरा एंगल था, तो इसकी जो ये जो कनेक्टिंग आर्म है, तो इनकी जो थिकनेस होगी, जो थिकनेस होगी इनमें से जो मिनिमम थिकनेस होगी वो यहाँ ली जाएगी, टी मिनिमम, ठीक है, टी मिनिमम को यहाँ पर लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हल्का सा। मैक्सिमम हो गया, मिनिमम पिच गेज हो, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है रिवेटिंग में, मैक्सिमम अब पिच की बात करिए, एक्चुअली ये तो टैक रिवेटिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पर अगर मैक्सिमम पिच की बात करें तो टेंशन जितने भी मेंबर्स होंगे, टेंशन मेंबर जो होगा उसमें हमारे पास कितनी 16T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 16T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनमें से दो, और वो टी वही है मिनिमम, जो भी कनेक्टिंग प्लेट्स हैं या जो भी मेंबर हैं उनमें मिनिमम थिकनेस जो है वो है। उपतन गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं से है, ठीक है। तो आगे चले, थोड़ा सा आगे चले, कंप्रेशन मेंबर होगा तो ये कितना हो जाएगा 12T, कंप्रेशन मेंबर होगा तो याद रखोगे 16T और 12T, वहाँ पर जो था 32T और 300 था, ठीक है। चलो जी आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, कंप्रेशन मेंबर में 12T, यानी कि आपने एक चीज़ देखी, कंप्रेशन मेंबर्स जो होंगे उनमें पास पास रखना पड़ेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कम है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्रेशन में टेंशन मेंबर्स में मान लीजिए ये दो दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये रहा, ठीक है, तो टेंशन मेंबर में बकलिंग होने के चांस नहीं है, परंतु अगर इनमें क्या होगा कंप्रेशन मेंबर होगा तो ये बकल हो सकता है, इसलिए दूरी और कम रखनी होती है। तो कंप्रेशन मेंबर में क्योंकि बकलिंग होने के चांस रहते हैं दो मेंबर्स के बीच में, अगर मान ली एक टैक रिवेट यहाँ है, मैक्सिमम दूरी है ये, तो कंप्रेशन मेंबर में बकल होने के चांसेस को अवॉइड करने के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको थोड़ा कम ही रखा जाता है, जिससे बकलिंग के चांसेस ना के बराबर हैं। टेंशन मेंबर में ये समस्या होती नहीं है, ऐसा नहीं है टेंशन मेंबर में बकलिंग नहीं होती, होती है, ठीक है, परंतु टेंशन मेंबर में चांस कम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद करो कि जब भी स्टेगर्ड, अब स्टेगर्ड क्या होता है आपको मैंने पहले भी बता दिया था, स्टेगर्ड इस तरीके से, अगर स्टेगर्ड पिचिंग यूज़ कर रहे हो आप तो आपका जॉइंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपने ली है वो 50% बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे टेंशन मेंबर में कितनी थी, टेंशन मेंबर में अभी अपने पास कितनी थी आप खुद ही बताएं, कितनी थी 16T या 200 थी, तो 200 का 50% का मतलब 100, 100 मतलब 300, तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 50% का मतलब 8 और 6, 16 और 8 ये कितना हो गया 24T, तो टेंशन मेंबर में 24T या 300 और वहाँ 12T, 12T का 50% 6 तो ये कितना हो गया 18T और 100 का 200 तो वहाँ था ही, तो 200 का 50% 100, 100, 200 प्लस 100, 300, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। स्टेगर रिवेटिंग में डायमंड रिवेटिंग हो जाती है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट हो जाता है, तो हम वहाँ पर थोड़ा दूर दूर भी लगा सकते हैं, इकोनॉमिकल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए। यहाँ पर गेज अलग है, पिच के साथ मिनिमम डिस्टेंस तो गेज और मिनिमम पिच दोनों सेम है, ठीक है, 2.5D नॉमिनल डायमीटर, परंतु पिच के केस में अपन ने अलग देखा और मैक्सिमम पिच अलग होती है, ठीक है। मैक्सिमम गेज डिस्टेंस 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक रिवेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि होता क्या है, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो ये देखिए टैक रिवेटिंग गसट प्लेट के साथ है, वो स्ट्रक्चरल रिवेट है, बाकी जो है ये कौन से हैं, टैक रिवेटिंग है। तो टैक रिवेट्स जो होते हैं, ये देखिए ये टैक रिवेट, मेरा कर्सर जहाँ चल रहा है यहाँ पर देखो, टैक रिवेट, ये देखिए टैक रिवेट, ठीक है। तो और अच्छे से टेंशन मेंबर्स में कितना होता है वो देखेंगे हम, पर यहाँ पर ये आपको चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। तो टैक रिवेट के केस में मैंने बताया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, अगर यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर एक्सपोज्ड है वेदर में, एक्सपोज्ड है तो 16T और 200, और अगर नॉट एक्सपोज्ड है वेदर में तो 32T और 300, पर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ और याद रखेंगे। जब एक्सपोज्ड है वेदर कंडीशन में 16T और 200 और 32T और 300, टेंशन मेंबर में ये 1000 mm तक भी होती है और कंप्रेशन में 600, कंप्रेशन में इसलिए कम होती है वही बकलिंग का चांस होता है, ठीक है। ये क्या होती है कंप्रेशन मेंबर, ये दोनों चीज़ जो मेरा अभी यहाँ पर हाईलाइटर चल रहा है, ये 1000, 1 मीटर और 600 mm है क्या चीज़, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे,
ठीक है, तो ये हो गया टैग रिवेटिंग। टैग रिवेटिंग का काम टू स्ट्रक्चर कंपोनेंट को एक एज अ सिंगल यूनिट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है। लास्ट अपने पास एज डिस्टेंस, आपको पता ही है एज और एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है जबकि एज डिस्टेंस पैरेलल होती है, वो सॉरी पैरेलल होती है एंड डिस्टेंस, और एज पे होती है ये रहा अपने पास। मैं फटाफट से आपको ऊपर करके ओवरव्यू दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एंड डिस्टेंस है जो पैरेलल वाली है, और जो हमारी ये पैरेलल वाली एंड डिस्टेंस है, और ये एज डिस्टेंस है जो कि लोड की डायरेक्शन, देखो लोड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी डेफिनेशंस अपन ने क्लियर कर ली है यहाँ पर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हाँ, मिनिमम एज डिस्टेंस, इनकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अगले लेक्चर में जब हम फेलियर ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि मिनिमम एज डिस्टेंस अगर नहीं दी तो फेलियर हो जाएगा, शियर फेलियर हो जाएगा। क्या होता है शियर फेलियर, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में। तो 1.5 D0 यहाँ पर ग्रॉस, अभी तक नॉमिनल डायामीटर चल रहा था, पर यहाँ पर देखो ग्रॉस डायामीटर होता है, ग्रॉस डाया या होल डाया होता है। तो मिनिमम 1.5 D मशीन से अगर कटिंग हो रही है एजेस की, और यदि हाई हैंड कटिंग है तो भैया ये थोड़ा सा ज़्यादा रखो, 1.7 D, जहां डी हमारे पास D0 जो है नॉमिनल डायामीटर नहीं है, ग्रॉस डायामीटर है या होल डायामीटर। तो हैंड कट जो होता है या इसको शियर्ड एजेस कहते हैं, जहां थोड़ा सा शियर्ड आ जाते हैं, और प्लेन एज होता है तो मशीन कट होता है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1.5 D या 1.7 D में से कौन सा लगाना है आपको आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम भी एक है, क्यों मैक्सिमम का प्रोविजन क्यों रखा गया है, पहले तो एक बार ये देख लो मैक्सिमम की लिमिट कितनी है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पुराना कोड जो है वो क्या कहता है कि भैया 40 मिनिमम वाली और 37 mm जोड़ना है, 37 mm, या 40 नए कोड के अनुसार 40 mm जोड़ दीजिए। और अगर एक्सपोज्ड नहीं है, यानी अगर एनवायरनमेंट में बाहर वातावरण में एक्सपोज है जब, तो ये है, और एक्सपोज नहीं है तो 12 T पुराने कोड के अनुसार, और यहाँ 12 T × εϵ, जहाँ एप्सिलॉन जो होता है वो बेसिकली बराबर होगा √250/mFy। ठीक है, √250/mFy। ठीक है, जहां पर FY जो है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ है, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ये आनी चाहिए, तो ये 12 T और ये नए कोड के हिसाब से ये होता है। तो मैक्सिमम एज डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है ये देख लो। ठीक है, मैक्सिमम एज डिस्टेंस होगी तो क्या होगा, मैं यही साइड में आपको बता दूं। मान लीजिए दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। मान लीजिए ये रिवेट है, तो अब यहां पर जो ये एंड डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस यही तो है, और अगर उस प्लेन देखे तो ये, अगर ये बहुत ज्यादा कर दोगे तो आप क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा, यहां पर इतना ज्यादा ग्रिप नहीं बन पाएगी, और यहाँ हल्का सा गैप अगर रह गया तो पानी अंदर चला जाएगा इसलिए, और अंदर चला गया तो वहां तो आप पहुंच भी नहीं पाओगे कभी, ना पेंटिंग हो सकती है ना रिपेयर हो सकता है, तो वो वाला एरिया क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और यहां तक कि रिवेट या बोल्ट के जो श्रैंक होता है वहां तक भी कोरोजन पहुंच जाता है। तो कोरोजन वगैरह को रोकने के लिए मैक्सिमम एज डिस्टेंस लगाना जरूरी हो जाता है, कि उससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। और मिनिमम एज इसलिए क्योंकि शीयर फेलियर हो जाएगा, क्यों, जरूरत से ज्यादा कम कर दिया तो आपका क्या होगा, जैसे मैं आपको हल्का सा दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में तो हम देखेंगे ऊपर से देखें। मान लीजिए दो प्लेट है और यहां पर है, तो अगर ये बहुत कम रह गई तो ये ऐसे फट जाएगी प्लेट, ये इस तरीके से फट जाएगी टेंशन वगैरह माने में, तो ये शीयर फेलियर होता है, इसको शीयर फेलियर बोला जाता है। ठीक है, इसको शीयर फेलियर बोला जाता है, तो ये आपको हल्का आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है जिससे कि गैप ना रह जाए, और जहां से वेदर कंडीशन, मिनिमम विड्थ जो रिवेट की प्लेट की होती है वो 3.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लेट काम की नहीं रहेगी, और ये क्या होगा, तो ये फेलियर्स के बारे में हम देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इसमें जो जो पॉइंट आपके पास हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट था लेक्चर, और यहाँ से चैप्टर और इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगला चैप्टर और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जहाँ हम टाइप ऑफ जॉइंट, रिवेट हो चाहे बोल्ट हो, वहाँ और फेलियर ऑफ जॉइंट के बारे में देखेंगे नेक्स्ट। फिर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन जो कि हमारा सब्जेक्टिव में भी काम आता है और न्यूमेरिकल पोर्शन में भी काम आता है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, ओके।